हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप बच्चों? मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ओके। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बेटा हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब बाबा श्याम की कृपा, सब मौज है बेटा। तो प्यारे बच्चों, ये बात बता दो मुझे, कल आप लोगों ने एवरेज की 3 नंबर शीट पढ़ी होगी ना बेटा? कल आपने बेटा 3 नंबर शीट के सवाल ट्राई किए होंगे और बेटा लगभग लगभग सारे सवाल आपने कर लिए होंगे, क्योंकि बेटा आप लोगों ने तो शीट नंबर 2 पढ़ी ना, शीट नंबर 2 से ही शीट नंबर 3 को तैयार किया गया था, ये मानते हुए कि शीट नंबर 2 आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। उन्हीं क्वेश्चंस के लगभग प्रकार के शीट नंबर 3 के सवाल थे। क्या बेटा सारे बच्चों ने शीट नंबर 3 के सारे सवाल कर लिए? दो क्वेश्चन में डाउट है जी, 23 में और 24 में। चलो पहले अपन कर लेते हैं इनको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटा जो क्वेरी है पहले उसे अपन सॉल्व कर लेते हैं आपकी। बेटा शीट में केवल 30 ही क्वेश्चन थे, केवल 30 क्वेश्चंस थे, और 30 क्वेश्चंस में से बेटा दो शीट और आएंगी आपके पास, दो शीट और आएंगी और बड़ी आसान सी शीट आएंगी। ये बताओ बेटा 20 नंबर तक के सवाल सारे क्लियर हैं क्या? 20 नंबर तक के क्वेश्चन सारे हो गए क्या आप सब से? एक से एक मंडल कह रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ, कहे नहीं हुआ भैया। ये सवाल नहीं हुआ? अरे यार सुनो मेरे भाई, 5 साल पहले बेटा, 5 साल पहले ए बी सी डी और डी तक ही है, इनकी एवरेज था 45 साल। ये आपको बेटा एवरेज जो दिया है ना, ये एवरेज दिया है 5 साल पहले का, गौर कीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन की वर्डिंग में आपने ये वर्ड मिस कर दिया होगा कि 5 साल पहले का एवरेज दिया हुआ है। तो बच्चों अगर मैं वर्तमान की बात करूंगा, अगर बच्चों मैं प्रेजेंट की बात करूंगा, आज की बात करूंगा, तो क्या बताओ इन सबका एवरेज कितना 50 आएगा क्या? क्योंकि बेटा सबकी एवरेज देखो 5 5 साल बढ़ेगा, सबकी एज में अगर 5 5 साल बढ़ेगा तो टोटल भी 20 हो जाएगा। ये बात तो बेटा मैंने आपको बताई थी ना कि जितना भी आप प्रत्येक नंबर में चेंज करोगे उतना ही चेंज आपके एवरेज में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने सब में 5 5 ऐड किया तो आपका एवरेज भी 5 बढ़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें अब ई को भी ऐड कर लेता हूं, अगर मैं ए बी सी डी के साथ में ई को भी ऐड कर लेता हूं, तो आपसे बोला कि एवरेज 49 वर्ष आ गया। तो बच्चों ये डेविएशन कितना माइनस का 1 बन गया, और डेविएशन का माइनस 1 है, ये पांचों लोगों ने इक्वल इक्वल बांटा होगा, तो 50 माइनस 5 करूंगा तो 45 आपके क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ क्योंकि बेटा इस सवाल में कोई बड़ी बात नहीं थी, बस वो 5 क्वेश्चन का जो गैप था वो आपको देखना था 5 साल का, और आपने किसी ने शायद वही नोटिस नहीं किया होगा ना बेटा। 3 नंबर की शीट आज मिल जाएगी बेटा। वैसे क्वेश्चंस आप ये जो क्लास की पीडीएफ है इसको बेटा डाउनलोड करते, इससे कर लेते ना बेटा, इससे कर लेते आप। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बता दो मुझे 20 के बाद में आपको डाउट कहां पे आया? 24 में? एक मिनट रुक जाओ भैया, 24। कोई बालक कह रहे हैं जी 23 भी नहीं हुआ हमसे, है ना? चलो बेटा 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो, सिस्टम करना पड़ेगा बेटा अपने को रिस्टार्ट, तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट के लिए क्लास आपकी रुकेगी बेटा, सो काइंडली वेट फॉर 1 मिनट प्लीज।
हाँ जी भैया। प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन में बताया कि आप लोगों ने डाउट है, तो बेटा 23 की अब हम बात कर लेते हैं। कोई सवाल की क्वेरी हो बेटा उसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 साल है। बच्चों क्लास में टोटल बालक कितने हैं? 30। और इन 30 स्टूडेंट्स का अगर मैंने एवरेज निकाला तो बेटा हमें इनका एवरेज मिला 15 साल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, हो गया। तो बेटा एक छात्र जिसकी आयु 20 साल है कक्षा को छोड़ देता है। देखिए एक बालक इस क्लास में से चला गया बेटा, एक बालक इस क्लास में से चला गया और इसकी आयु 20 ईयर थी। बेटा 20 ईयर की एज का बंदा जाएगा तो क्या बताओ बेटा 5 का तुम्हें लॉस हो जाएगा। बेटा एज का तुम्हें टोटल लॉस कितना हो गया? 5 साल का। और इसके स्थान पर कहता है कि दो बच्चे नए आ गए। बेटा दो बालक मैं आपको बता रहा हूं, ए और बी क्लास में नए आ गए। ए और बी क्लास में कितने आ गए? नए। और इनका अंतर 5 साल का है। ठीक है भाई, ए और बी की एज का डिफरेंस कितना है बेटा? 5 साल का। कक्षा में उपस्थित नए बच्चों का औसत 15 साल है। बेटा अब एक बात बताओ, क्लास में टोटल बच्चे 31 हो गए क्या? भाई 30 में से एक बालक छोड़ गया था, दो बालक क्लास में नए आ गए बेटा, तो अब क्लास में 31 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज कितना है बच्चों? 15 साल। इनका एवरेज कितना है? 15 साल, है ना। अब पहले बच्चों एक बात को गौर करके मुझे बताओ, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। 15 साल का एवरेज था क्लास में, अभी भी एवरेज 15 साल का ही है। तो एक बात मुझे बताना कि एवरेज आपका सेम रहा है बच्चों, एवरेज आपका सेम रहा है, इसका मतलब जो दो बच्चे आए थे, यानी एक बालक छोड़ गया दो बच्चे आ गए, डिफरेंस तो एक का ही आया। तो बेटा जो ये यहां से अगर मैं देखता हूं तो जो एक बालक बढ़ा है, एक बालक बढ़ा है, क्या इसकी एज 15 साल होनी चाहिए क्या? ये जो एक बच्चा बढ़ा है इस एक की एज 15 साल की होनी चाहिए क्या? तो ही तो आपका एवरेज रिमेन सेम रहेगा। आपने कहा जी हाँ। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं आपको, एक 20 का बालक छोड़कर गया है तो आप मुझे बता दो इन दोनों की एज 35 होनी चाहिए क्या? भैया 20 का बालक छोड़कर गया, 35 के बालक आ गए, तो एक बालक 15 का फालतू आ गया। अरे एक बच्चा 15 का फालतू आ गया ना बच्चों, एक बच्चा 15 का आया होगा, बस आपका काम हो गया। आप मुझे बताओ उनकी एज में 5 साल का अंतर है तो क्यों ना बेटा मैं ए को 20 मान लूं, बी को 15 मान लूं, क्योंकि मुझे इनकी एज में 5 साल का अंतर बताना है। दोस्तों ए को मैंने मान लिया 20 और बी को मैंने मान दोस्तों 15। दोस्तों अपना सवाल बन चुका। अब देखो मेरी बात समझना, इससे हमें प्लस 5 का फायदा हो गया, इससे हमारा डेविएशन 0 आ गया, तो ऑल ओवर डेविएशन आपका 0 बन गया ना बेटा, ऑल ओवर आपका डेविएशन 0 बन गया। यही तो मैं आपसे कह रहा था, हो गया सवाल। तो जो दो बच्चे आए हैं, छोटे बच्चे की एज कितनी है? 15 साल। अगर मैं आपसे बड़े की एज पूछता तो बड़े की एज 20 साल है बेटा। 20 साल का आदमी गया, 20 साल का आ गया, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला बंदा 15 साल का आया तो आपके एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात को आपने समझना है। 23 बेटा कर पाएंगे? हो जाएगा सवाल। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने कहा जी 24 नहीं हो पाया। बेटा देखो 24 में कोई टिपिकल जानकारी नहीं थी, बस ये महीनों वाली बात आ गई थी ना, तो कई बच्चे इस महीने में अटक गए। कोई बात नहीं, आ जाओ मैं बता दूं आपको। क्लास के टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और इन 30 स्टूडेंट्स की अगर एवरेज एज निकाली जाए तो वो आती है 14 ईयर और 4 मंथ्स, 14 साल और 4 महीने टोटल इनकी एज थी। कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 नहीं है वो, 1/3 है नील, 1/3 है बेटा।
उसी कक्षा में पांच नए बच्चों का एडमिशन हो गया, पांच नए बालक क्लास में और आगे बेटा, तो अब बताओ कितने 35 बच्चे हो गए क्या? अरे बोलो बच्चों, 35 बालक हो गए। और इनका जो एवरेज है ना, इनका जो एवरेज है वो 13 इयर्स और 9 मंथ्स आ गया। तो बच्चों आप महीनों में काउंट कर लो, आप मुझे बताओ आपके एवरेज में 7 महीने की कमी आ गई क्या? बच्चों एवरेज में 7 महीने की कमी आ गई। अरे भैया 7 महीने की कमी क्यों आई है? 7 महीने की कमी क्यों आई है? क्योंकि जो 5 बच्चे नए आए थे ना, उनकी एज इस एवरेज से कम थी, उनकी एज इस एवरेज से कम थी, इसीलिए तो बेटा एवरेज में कमी आई है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ बेटा, 7 महीने की कमी क्या 35 लोगों ने बराबर बराबर बांटी है क्या? 7 महीनों की बात कर रहा हूं, 35 और बटा में 5 करूंगा, बटा में 5 क्यों? कि इन्हीं 5 लोगों के आने के कारण तो फर्क आया था बेटा, इन्हीं 5 लोगों के आने के कारण डिफरेंस आया था। तो ये आ गया दोस्तों 49 मंथ्स। 49 मंथ्स को क्या आप 4 वर्ष और 1 महीना बोल सकते हैं? 4 साल और 1 महीना बोल सकते हैं? अब दोस्तों जी हां, ये मैंने डेविएशन निकाला है, डेविएशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 5 लोगों का, 5 स्टूडेंट्स का एवरेज बताओ, एवरेज, तो एवरेज क्या बताओगे आप? 14 साल 4 महीने में से 4 साल 1 महीना कम करोगे, तो आपका उत्तर आ गया 10 वर्ष 3 महीने। लेकिन गौर कीजिएगा, अभी मेरा आंसर नहीं आया, अभी मैंने, अगर आपको सवाल में यह पूछा होता, अगर आपको सवाल में यह पूछा होता कि जो 5 बच्चे नए आए हैं, जो 5 बच्चे नए आए हैं दोस्तों, उनका एवरेज क्या होगा, तो उनका एवरेज बताओ 10 साल 3 महीने होगा क्या? अरे बोलो 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 बोलो। अब अगला स्टेप समझो बहुत ध्यान से। अब मैं दोस्तों केवल इन 5 बच्चों की बात कर रहा हूं, इन 5 बच्चों का एवरेज था 10 साल 3 महीने, इन 5 बच्चों का एवरेज था 10 साल 3 महीने। इनमें से एक बच्चा 9 साल 11 महीने का है, इनमें से एक बच्चा 9 साल 11 महीने का है, तो बच्चों ये बताओ 4 महीने कम है क्या? अरे इन 5ों में से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये 4 महीने कम है। इसको अलग मैं अलग कर दूं बेटा, 4 महीने कम वाला बालक अगर करूंगा तो बाकी का एवरेज बढ़ जाएगा ना बेटा, बाकी का एवरेज बढ़ जाएगा। जी हां, 4 महीने बढ़े, 4 महीने, 4 महीने को चारों लोगों में डिवाइड कर दोगे, चारों लोगों में डिवाइड कर दोगे तो सबकी एज एक एक महीना बढ़ जाएगी क्या? सबकी एज एक एक महीना बढ़ जाएगी। तो एक एक महीना बढ़ने का मतलब क्या हो गया? 10 साल और 4 महीने, 10 इयर्स और 4 मंथ्स आ गया, 10 साल और 4 महीने। डेविएशन का सीधा सा कंसेप्ट है, जो 5 लोग नए आए थे उनकी एवरेज एज थी 10 साल 3 महीने, इनमें से अगर मैं एक व्यक्ति को अलग कर देता हूं जो 9 साल 11 महीने का है दोस्तों, तो डेविएशन निकल कर आएगा 4 महीने का, और उसी 4 महीने को बाकी लोग आपस में बांट लेंगे, 4 लोग आपस में बांटेंगे तो सबकी एज एक एक महीना बढ़ जाएगी और 10 साल 4 महीने उत्तर बन जाएगा, 10 ईयर 4 मंथ इज राइट आंसर। क्या बताओ बच्चों, सेम कहानी आपको समझ में आई क्या? बस ये कंफ्यूजन का दौर ये था कि महीने महीने की बात दे दी गई ना बेटा, 9 महीने 7 महीने 8 महीने, तो आपको डेटा सॉल्व करना था, महीनों वाली बात है बेटा। अगर किसी को डाउट रह गया हो तो ये रिकॉर्डिंग एक बार और चेक मारना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा 24 के बाद 28 में डाउट है क्या? 27 और 28, अरे इसका तो उत्तर मैंने आपको बताया था।
इसका तो उत्तर मैंने बताया था ना बेटा आपको, आपको याद नहीं मैंने पिछली क्लास में ऐसा एक सवाल बताया था तुम्हें। दोस्तों एक छात्र दो अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो मैंने बताया था ना बेटा औसत अगर 1.8 कम आया है तो रिजल्ट में 18 की कमी आई होगी क्या? अरे जोड़ में 18 की कमी आई होगी क्या? दोस्तों 18 की कमी को आपने 9 से भाग करना है, उत्तर बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा दोस्तों। और ये अगर लॉजिकल आप चाहते हो, देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि दो अंकों की संख्या थी 10x+y, दो अंकों की संख्या थी 10x+y, अगर मैंने अंक पलट दिए तो 10y+x बन जाएगा और इन्हीं का डिफरेंस 18 बनता है। बेटा 9x-9 बनेगा अंजू, 10x+y-10y-x बराबर 18 है दोस्तों, 9x-9y बराबर 18 है दोस्तों, तो x-y कितना 2 आ जाएगा क्या? ये सवाल दोस्तों बड़ा फिक्स है, दोस्तों ये सवाल बड़ा इजी होता है। देखो यहां पर 1.8 आए ना तो अंकों में अंतर 2 का आता है, यहां पर अगर 2.7 आए ना तो अंकों में अंतर 3 का आता है, 3.6 आए ना अंकों में अंतर 4 का आता है, 4.5 आए ना अंकों में अंतर 5 का आता है, यानी ये 9 की टेबल में काम करता है दोस्तों, ये 9 की टेबल में काम करता है। आपको ये संख्या डायरेक्ट 9 से डिवाइड करनी थी और अपना उत्तर टिक मारना था। बच्चों बताया था मैंने क्लास में आपको, जब भी कोई संख्या के अंक पलटोगे डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होगा और बेटा टोटल हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा टोटल इनका और डिफरेंस इनका आएगा 9 से। और देखो 11 से क्यों होता है समझ जाओगे ना, अगर मैं इनको जोड़ता तो ये देखो 11x और 11y बनेगा, तब आपको x और y में से 11 कॉमन आएगा। अंडरस्टैंडिंग की बात थी, सवाल बेटा सॉल्व करना चाहिए था। जैसे ये देखो ये सवाल देखो, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप ये समझ लो बेटा 2.7 ही बनेगा, इतना बेटा सुप्रीत इनमें जो डिफरेंस बनेगा वो 9 का मल्टीपल ही बनेगा, वो आपको 5.7 नहीं देगा ना बेटा, 5.7 पे सवाल ही नहीं बन पाएगा बच्चों, 5.7 पे बात बन ही नहीं पाएगी। आपको सवाल देने के लिए 9 के मल्टीपल आने जरूरी है। आप अपनी मर्जी से दोस्तों, आप अपने मन से ना दो अंकों की कोई भी संख्या मान लो, लाइक मैंने मान लिया 68 मान लिया, एक बार कल्पना करो 68 मान लिया, ठीक है, अगर मैं इसके अंक पलट दूंगा 86 कर दूंगा, अगर मैं इसके दोस्तों अंक पलट दूंगा 86 कर दूंगा तो डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा। चेक कर लो, 16 में से 8 गए 8, 7 में 6 गए 1, 9 का मल्टीपल आएगा। आप कोई भी संख्या मान लो, यार मैंने मान लिया 73 है, अगर मैं अंक पलट दूंगा 37, चेक करो एक बार, 13 में 7 गए 6, 6 में से 3 गए 3, ये लो ये 9 का मल्टीपल ही आएगा। तो आपको अगर सवाल में बोला जाए ना कि 3.6 का डिफरेंस है, आपका उत्तर 4 बन जाएगा, आपको बोला जाए ना 6.3 का डिफरेंस है, आपका उत्तर 7 बन जाएगा, आपको बोला जाए ना 2.7 का डिफरेंस है, आपका उत्तर 3 बन जाएगा, 7.2 का डिफरेंस है, आपका उत्तर 8 बन जाएगा। आपको सवाल करने की नीड नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट आपकी बात को सॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्ट बेटा आपका उत्तर बन जाएगा। कर पाएंगे सारे बच्चे? ठीक है बेटा, 30 नंबर सवाल आपने कर लिया होगा ना, 30 नंबर आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, आपने डेविएशन निकाला होगा, डेविएशन से बात क्या बनी आपने चेक कर लिया, दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। तो बच्चों एवरेज की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी थी, जब ग्रुप में कोई नया आदमी ऐड होता है, जब ग्रुप में से कोई आदमी कम हो जाता है, ये सारी बातें सॉल्व करने का मेथड क्या था वो बेटा आप सब लोगों ने पढ़ा बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया से। अब दोस्तों चलते हैं एवरेज के नए पार्ट की तरफ, अब दोस्तों चलते हैं नई कहानी की तरफ। भैया टैब में तो कुछ आया ही नहीं, टैब तो बंद है बेटा क्वेश्चंस की। अच्छा एक क्वेश्चन आया क्या आपका? एक मिनट में देख लो क्या भेजा है आपने।
भैया तरीका आप बेटा जो भी आपको कंफर्ट लगे ना, आप डेविएशन से भी कर सकते हो, आप एवरेज से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया बेटा, ये भी एक प्रकार का डेविएशन ही तो है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट जिसमें भी आपका माइंड कंफर्ट फील करता है ना, जिसमें भी आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन करने हमारे लिए ज्यादा इजी है, आप उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको ये बताया था, ये भी डेविएशन का सवाल दोस्तों, ये भी डेविएशन की बात ही है, आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अब हमने बहुत पढ़ाई कर ली है, आज पढ़ाई का समय नहीं है दोस्तों, आज अपन खेलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट खेलोगे बेटा? अपन ऑनलाइन क्रिकेट खेलते हैं आज, पढ़ाई वढ़ाई बहुत कर चुके हैं, बहुत हो गया मामला। अच्छा जी, बल्लेबाजी करेंगे बेटा, बॉलिंग भी करेंगे। हाँ, अरे लाइट लुइट नहीं गई भैया, वो एक बार वीडियो ऑफ हो गया था किसी कारण से, कैमरे की वायर ही लगी थी। बैट लेने गया था ना भैया, मैच स्टार्ट होता है तो 2 मिनट ब्रेक आता है ना, मैच शुरू होगा। सुनो भैया, एक्चुअल में आप लोगों ने एवरेज के जो कंसेप्ट पढ़े थे, यही बात आज हम इन सवालों पर स्टार्ट करेंगे। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, एक क्लास में 14 बच्चे हैं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, इनका एवरेज है मान लो 30 इयर्स। दोस्तों इनका एवरेज कितना है? 30 साल। इनकी एज मान लो 30 इयर्स है, इनका भार मान लो 30 केजी है, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इस क्लास में एक 15वां बंदा नया आ गया, एक बंदा 15th बंदा नया आ गया दोस्तों, और ये जो 15वां बंदा आया है ना, इसकी दोस्तों एज है 45 साल। दोस्तों इसकी एज कितनी है? 45 साल। तो मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ भैया, अब 15 लोगों का एवरेज कितना बन जाएगा, अब 15 लोगों का एवरेज कितना बन जाएगा। तो आप पता है कैसे करते हो सवाल? आप ये कहते हो गुरु जी कि ये अगर मैं डेविएशन चेक करता हूं तो प्लस का 15 है, और ये डेविएशन 15 लोगों में इक्वल इक्वल बटेगा तो सब में एक एक का अंतर आएगा, 31 ईयर। आपका उत्तर आया था क्या? ऐसा तो आप बेटा कभी से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा तो आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यही जानकारी फिर से एक बार बता रहा हूं, जरा अब जरा गौर से देखना बेटा, 14% का कुछ एवरेज था, मेरे को नहीं पता कितना एवरेज था, क्या एवरेज था, आई हैव नो आइडिया। 15वां बंदा अगर इस क्लास में नया आया, जिसकी एज 45 साल है, जिसकी एज 45 साल है, तो दोस्तों इन 15 लोगों का जो एवरेज है ना, टोटल लोगों का एवरेज है ना, वो एक बढ़ गया, एक्स प्लस एक हो गया, एक्स प्लस एक बन गया, एक से इंक्रीज हो गया। इतनी बात आप समझ पा रहे हो? 14 लोगों का एवरेज था एक्स, पता नहीं कितना था, आई हैव नो आइडिया। एक बंदा जब 45 साल का ग्रुप में नया आया तो 15 लोगों का एवरेज 200 एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, अब आपसे इस एक्स का मान पूछते हैं दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो ये जो एक बड़ा है, ये जो एक बड़ा है, ये जो एक इंक्रीज हुआ है, ये 15 लोगों के लिए हुआ है ना बेटा, ये 15 लोगों के लिए हुआ है। हाँ, इसका मतलब इसमें से 15 साल तो एवरेज बढ़ाने में काम आ गया बेटा। ये जो 15, एक 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 15 साल बढ़ा है, वो 15 तो एवरेज बढ़ाने में काम आ गया, 15 तो एवरेज को एक्सटेंड करने में काम आ गया। इसका मतलब दोस्तों यहां पर 30 रहा होगा क्या, इस वाले पॉइंट पे 30 रहा होगा क्या, और इस वाले पॉइंट पे 31 रहा होगा क्या? ये यही क्वेश्चन है, मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर में पूछ लिया, रिवर्स ऑर्डर में पूछ लिया दोस्तों। मैंने आपको यह बोला कि भाई 45 साल का बंदा आया है तो सबका एवरेज बढ़ गया, तो आप मुझे एक बात बताओ, सबका एवरेज अगर एक एक बढ़ा है, सबका एवरेज अगर एक एक बढ़ा है, 15 लोगों का एवरेज 15 बढ़ा है, इसका मतलब दोस्तों 15 तो एवरेज बढ़ाने में एक्सटेंड हुआ, स्टार्टिंग का एवरेज 30 आपने काउंट कर लिया क्या,
अरे थोड़ी सी बात आपको समझ में आई क्या? अच्छा एक बात तुम और समझो, एक बात तुम और समझो, मैं आपको ये कह रहा हूं, आपकी क्लास में 10% थे, आपकी क्लास में 10 लोग थे, इनके एवरेज मार्क्स है ना पता नहीं कितने हैं, मेरे को नहीं पता एवरेज मार्क्स इनके, आई हैव नो आइडिया, जितने भी हैं, ठीक है बच्चों। एक बालक इस क्लास में नया आया, एक पर्सन इस क्लास में नया आया दोस्तों, और इस नए बंदे का जो वजन था दोस्तों, इस नए बंदे का जो वजन था ना वो था 42 kg, कितना बच्चों 42। इस बंदे के आने पर पूरी क्लास का एवरेज 2 बढ़ गया दोस्तों, पूरी क्लास का एवरेज 2 से एक्सटेंड हो गया, 2 से इंक्रीज हो गया, तो आप मुझे एक्स का मान बता सकते हो क्या? आप लोगों ने पता है कैसे किया कि यार 11 लोगों का एवरेज 2-2 इंक्रीज हुआ है, 2-2 इंक्रीज हुआ है, तो बेटा 11 लोगों का एवरेज अगर 2-2 इंक्रीज हुआ है तो 22 तो एवरेज को एक्सटेंड करने में ही काम आ गया, 22 तो दोस्तों एवरेज को एक्सटेंड करने में काम आ गया, ये 20 रहा होगा और ये 22 रहा होगा, ये 20 और 22 रहा होगा, क्या ये बात हमने डेविएशन में पढ़ी दोस्तों? क्या ये बात आप सबको क्लियर है क्या? कोई टिपिकल बात तो मैंने आपको बताई नहीं दोस्तों, आसान कड़ी की आसान बात ही समझाई है। अच्छा ये जो क्रिकेट वाले सवाल बनते हैं दोस्तों, जो क्रिकेट के इस टॉपिक के सवाल बनते हैं, ये बेहद इजी सवाल होते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों प्रकार के सवाल बनते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बैटिंग वाले आते हैं, कभी कभार कोई रेयर चांस सवाल बॉलिंग वाला भी आता है, लेकिन कोई बात नहीं मैं आपको सारे बताऊंगा। अच्छा दोस्तों एक बात बता दो, कोई बैट्समैन है वो कितना अच्छा बैट्समैन है ये बात डिपेंड करता है कि उसकी रन रेट क्या आती है, उसकी एवरेज क्या आती है, एवरेज। दोस्तों देखो एक मेरी बात समझना, एक हमारा प्लेयर है इसका नाम है एक्स, एक्स एक्स ने आज तक टोटल 10,000 रन बनाए हैं दोस्तों, एक्स ने टोटल 10,000 रन बनाए हैं, और मैच इसने पारियां इसने खेली है बच्चों मान लो 500, मान लो पारियां इसने खेली है 500, तो एक पारी में अगर एवरेज की बात की जाए तो बेटा एक पारी में अगर एवरेज की बात बनाई जाए तो केवल 20 रन ही बनाए, 500 मैच खेले तो जाके 10,000 रन बनाए, लेकिन दोस्तों एक मैच में एवरेज तो 20 रन का ही आया ना, और एक वाई है, वाई एक वाई है, इसने रन बनाए हैं आज तक केवल 5,000, लेकिन दोस्तों मैच इसने केवल 50 ही खेले हैं, 50 मैचों में ही 5,000 रन बना लिए, तो इसका एवरेज बताओ 100 रन का प्रति मैच आ रहा है क्या? हाँ तो प्यारे दोस्तों ये वाई बताओ अच्छा बैट्समैन है ना, वाई अच्छा बैट्समैन है ना, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि बैट्समैन का जो एवरेज है ना, एवरेज ये क्या होता है, टोटल बनाए गए रन बटा टोटल खेली गई पारियां, मेरी बात समझना, कितने रन बनाए हैं और कितनी पारियों में बनाए हैं, कितने मैचों में बनाए हैं, ये दोनों चीजें अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपको उस प्लेयर का एवरेज मिल जाएगा। बच्चों एवरेज बताओ कैसे ज्ञात करते हैं, आ गया समझ में? अब इस पर जो पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो ये बनते हैं जो मैं आपको अभी अभी करवा चुका हूं, आप बिल्कुल पेन का यूज मत करना फिर भी सवाल समझ में आएगा,
चार पांच सवाल मैं आपको करके बता रहा हूं, फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो तो मुझे बताना, आपको लगे कि सर सवाल कर पा रहे हैं तो मुझे बताना। ए बैट्समैन स्कोर 92 रन इन हिज 15th इनिंग, बेटा 15वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। करके बता रहा हूं, फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो तो मुझे बताना, आपको लगे कि सर सवाल कर पा रहे हैं तो मुझे बताना। ए बैट्समैन स्कोर 92 रन इन हिज 15th इनिंग, बेटा 15वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, उत्तर बन गया 36। आप भी ऐसे काउंट करना। सुनो बेटा एक बात बताओ, 14th इनिंग तक, चौथी पारी तक इसका एवरेज एक्स था, मेरे को नहीं पता कितना एक्स था, मैंने एक्स मान, ठीक है दोस्तों। इस बंदे ने 15वां मैच और खेला, 15वां मैच खेला और 15वें मैच में इसने 92 रन बना दिए, 92 रन। तो दोस्तों 15th पारी के बाद में आपका जो एवरेज है वो क्या बताओ, एक्स प्लस 4 हो गया क्या? दोस्तों 15वीं पारी के बाद में आपका एवरेज कितना, एक्स प्लस 4 हो गया। अच्छा अब ये सवाल आपको वैसा ही नजर नहीं आ रहा कि एक क्लास में 14 बच्चे हैं, उनका एवरेज एक्स है, 15वां बच्चा एक नया आ गया जिससे आपका एवरेज 4 इंक्रीज हो गया। दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, आप मुझे एक बात समझाना, ये जो 4 एवरेज एक्सटेंड हुआ है ये 15-15 लोगों का सबका हुआ है क्या? 15 पारियों में इक्वल इक्वल बटेगा? जी हाँ। तो इसका मतलब बेटा 60 रन तो आपके, 60 रन तो आपके एवरेज को एक्सटेंड करने में काम आ गए, एवरेज को एक्सटेंड करने में काम आ गए। दोस्तों इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि पुराना एवरेज 32 था। अगर आपको 14th इनिंग का एवरेज पूछते, 14th इनिंग का एवरेज दोस्तों 32 होता, लेकिन पूछा था 15वीं पारी के बाद में एवरेज कितना था, दोस्तों 15वीं पारी के बाद में एवरेज 36 था क्या? अरे सर ये सवाल इतने किसी होते हैं? हाँ इतना आसान सवाल था। सर एक बार रिपीट कर दो कैसे किया, तो गौर से देखिएगा, आपको ये सवाल करने के लिए पेन उठाने की नीड नहीं है। बच्चों आप ये देखो, 15वीं पारी में 92 रन बनाए और औसत में 4 बढ़ गया, तो 15वीं पारी में 4 बढ़ गया इसका मतलब 60 तो इंक्रीज किया होगा, 60 तो इंक्रीज किया होगा, तो पुराना एवरेज आ गया 32 और नया एवरेज आ गया 36। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और देखते हैं। हाँ बेटा अजिता सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, सीधी सी बात है, आसान सी बात बेटा पूछता हूं। हाँ 15वीं आरी तक बेटा 14 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको 25वें मैच के पहले पूछा है, पहले कोई दिक्कत नहीं। 25वें मैच में आपने 100 रन बनाए, एवरेज 1.4 बढ़ गया। बेटा एक बात बताओ, 25वें मैच में एवरेज 1.4 बढ़ा है तो 25 गुना 1.4 करूंगा 35 आएगा क्या? अरे 25 गुना 1.4 करूंगा ये 35 आएगा क्या? दोस्तों इसका मतलब 35 रन तो एवरेज को एक्सटेंड करने में काम आ गए, 35 रन तो एवरेज को एक्सटेंड करने में काम आ गए। पुराना एवरेज 65 रहा होगा क्या? पुराना एवरेज 65 रहा होगा क्या? और दोस्तों अगर ये 25वें मैच के बाद पूछता तो मैं अपना उत्तर 66.4 बोल देता, अगर ये 25वें मैच के बाद बोलता तो मैं अपना उत्तर 66.4 कह देता। भैया लोग कहते थे, कल मुझे बच्चे बता रहे थे कि सर क्रिकेट वाले क्वेश्चन बनते ही नहीं है, कोई कह रहा था बहुत टफ होते हैं, कोई कह रहा था बहुत टाइम टेकिंग लगते हैं, मेरे को तो नहीं लग रहा इसमें कहीं आपने पेन उठाया होगा सवाल में।
एक बार फिर से देख लो भाई, मन का डर निकलना चाहिए। बच्चों इसमें नया औसत पूछ लिया, ये तो सवाल सिंपल सिंपल डेविएशन का आ गया। 23 मैच में आपका एवरेज है 62, कह रहे 24 मैच में एवरेज कितना होगा अगर 24वें मैच में आपने 122 रन बनाए। बच्चों 122 में आप मुझे बताओ डेविएशन कितना, प्लस का 60 आया क्या? अरे बताओ बताओ, प्लस का 60 डेविएशन आया क्या? मतलब दोस्तों 60 को 24 लोगों में इक्वल इक्वल बांटोगे तो आपका एवरेज 2.5 से बढ़ जाएगा, 2.5 से इंक्रीज हो जाएगा और 64.5 बन जाएगा सर। ये लो, ये वैसे ही तो सवाल है। एक क्लास में 23 बच्चे थे, उनका एवरेज नंबर 62 थे। एक बच्चा नया आ गया जिसके नंबर 122 है, तो बताओ औसत कितना है। तो डेविएशन निकालो, सब में बांट दो, खरबूजा कटेगा सब में बटेगा, खरबूजा कटेगा सब में बटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राम बाबू आपको मजाक करने के लिए कोई और टाइम मिलता नहीं है क्या है? जब से एवरेज स्टार्ट हुआ है, जब से एवरेज की आज बेटा कोई सातवीं आठवीं क्लास चल रही है, तब से हम डेविएशन पढ़ रहे हैं, तब से आपको डेविएशन का कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। और इनका एवरेज था 62, एक बंदा नया आ गया 122 वाला, तो इनका एवरेज 60 आ गया। ये हम कब से करते आ रहे हैं? और भाई कहता जी मुझे बता दो ये 60 कहां से आया? 60 भैया फर्स्ट फ्लोर से आया, कोई इलाज नहीं है इस बात का। सुनो बेटा, अब की बार आपका औसत कम हो गया। अरे भाई आपके औसत में डिक्रीज हो गया, आपके औसत में कमी हो गई। कंसेप्चुअल बात समझना, 91 पारियों में आपका कुछ औसत था, 92 पारियों के बाद में आपका औसत है ना एक्स में से 0.75 कम हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, इतनी सी बात देखते आप ये समझ गए ना कि 92 जो पारी थी इसमें नंबर, इसमें जो रन बनाए थे वो इस एवरेज से कम बनाए थे ना बेटा। पुराना जो बंदे ने एवरेज मेंटेन कर रखा था उससे कम रन बनाए थे, ये माइनस का साइन आपको बता रहा है कि कम रन बनाए थे। अच्छा कितने कम बनाए थे, समझो मेरी बात, कितने कम बनाए थे? तो 92 संख्याओं में 0.75 बटा है, 0.75 को बोल सकता हूं 3/4, 3/4 का मतलब 69 हो गया। यानी दोस्तों इसको 69 नंबर कम पड़ गए, इसने दोस्तों 69 रन कम बनाए थे, 69 रन कम बनाए थे। 54 रन तो इसने बनाए थे, 54 तो बनाए थे, लेकिन 69 की कमी थी। मतलब दोस्तों पुराना एवरेज 123 रहा होगा क्या? कि अगर ये बंदा 123 रन बनाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज इनका बराबर ही आता। लेकिन दोस्तों जब इसने 54 रन बनाए तो डेविएशन हो गया माइनस का 69 और ये सब में इक्वल इक्वल बंट गया। यही तो मेथड था। मैंने पूछा 92 पारी के बाद का औसत बताओ, तो 122.25 बनेगा, 122.25 बनेगा। दोस्तों ये क्रिकेट में बैटिंग वाले सवाल चल रहे हैं, बैटिंग वाले सवाल दोस्तों बहुत इजी है। ये मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं दोस्तों, बाकी आप तो इतनी सी बात समझ जाओगे कि 92 पारियों में औसत कितना कम हो गया 0.75। तो डायरेक्ट आप इधर 92 का 3/4 से गुणा कर लो 69, 54 और 69 123 आपका आ गया पुराना एवरेज, 122.25 आ गया दोस्तों नया एवरेज। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं। अल्लाह डायरेक्ट तुम्हारा उत्तर 128 बन जाए तो मुझे बताना बेटा। मैंने एक बार उत्तर बोल दिया है, आप एक बार दिमाग लगा लो, आपको पल्ले पड़ रहा है क्या? दोस्तों पैंसठ दुना 130 ना, अरे भाई मेरी बात को समझो, 64 पारियां 64 मैच खेले,
कुछ औसत रन था। अब 65वें मैच में बंदे ने खाता ही नहीं खोला, ये जीरो रन पे आउट हो गया, जीरो रन पे। दोस्तों 65वें मैच के बाद में अगर मैं एवरेज की बात करूंगा, अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो कह रहे एवरेज दो कम हो गया। अरे मेरे भाई, दो एवरेज कम हो गया मतलब टोटल स्कोर में 130 की कमी आई है क्या? बेटा टोटल रनों में 130 की कमी आई है ना, तो पुराना एवरेज 130 होना चाहिए था क्या? पुराना एवरेज 130 होना चाहिए था। दोस्तों नया एवरेज 128 बन गया क्या? अरे जितने बच्चे लाइव हैं बेटा बता दो, ये क्रिकेट वाले बेसिक सवाल आपको समझ में आ रहे हैं क्या? डेविएशन एवरेज का आधार है, डेविएशन को आपने समझ लिया तो भैया एवरेज टॉपिक आपका हंसते खेलते पूरा हो जाएगा। अर्थमेटिक का आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है बेटा, और लास्ट टॉपिक अपने लास्ट दौर में चल रहा है, अंतिम टॉपिक आपके अंतिम दौर में चल रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये एवरेज बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से बात पढ़ी उन्हें तो ये बात पल्ले पड़ी गई होगी ना बेटा। दोस्तों मैं आपसे इस सवाल का उत्तर चाहता हूं कॉल पे, आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, टेक योर टाइम प्लीज, आप टाइम लीजिएगा, एक मिनट का टाइम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये नालायकों वाली बातें होती हैं, ये जो उत्तर लोग 150 कर रहे हैं ना भैया, तुम हो नालायक, तुम ही हो नालायक। अरे तुमने 150 तो ज्ञात कर लिया नालायक को, पांच कम कौन करेगा? पांच कम करने कोई बाहर से आएगा तुम्हारे लिए? और ये जो महामूर्ख लोग उत्तर 155 कर रहे हैं, इनका तो मेरे धरती पे इलाज नहीं है। जितने सवाल क्रिकेट के मैं आपको करवा रहा हूं ना बेटा, भारत वर्ष में घूम लेना, किसी ने करवाया तो मुझे बता देना। 11 पारियों के बाद में कुछ एवरेज था, 11 इनिंग्स आपने खेली इसके बाद में आपका कुछ एवरेज था, 12th पारी में इस बंदे ने 90 रन बनाए। दोस्तों 12 पारियों में जो एवरेज है ना वो एक्स माइनस पांच हो गया। तो दोस्तों एक्स माइनस पांच का मतलब क्या हो गया कि आपके टोटल स्कोर में 60 नंबर की कमी आई है क्या? टोटल नंबर में 60 नंबर की कमी आई है क्या? अरे बोलो भैया 60 की कमी आई है क्या? और ये 60 की कमी 90 रन बनाने के बाद आई है, इसका मतलब दोस्तों इस बंदे को यहां पे 150 रन बनाने चाहिए थे। अगर मैं आपसे 12वीं पारी से पहले का एवरेज पूछूंगा आप उत्तर 150 बोलते, लेकिन मैंने 12वीं पारी के बाद पूछा है दोस्तों तो बाद में उत्तर 145 नहीं आएगा। इसी बात में तो बेटा लोग गलती कर रहे हैं, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए भाई। अरे माइंड में सवाल करना सीखो ना, 12 पारी के बाद में औसत 5 कम हो गया, यानी 60 नंबर की कमी, 150 नंबर बनने चाहिए थे, 150 में से 5 घटाओ उत्तर आ गया 145, खत्म बात। एक और देख लो भैया, एक और देख लो बेटा, जो नया बैच आएगा उसमें पूरा पढ़ाएंगे आपको ऑटोमेटिक, चिंता वाली कोई बात नहीं है। सुनो बेटा, अब ये सवाल शुद्ध सवाल है डेविएशन का, 10 पारियों में औसत रन कितना है? 32। कह रहा है 11वीं पारी में कितना रन बनाऊं कि एवरेज 38 हो जाए, एवरेज कितना हो जाए? 38 हो जाए, एवरेज दोस्तों 38 हो जाए। तो आप मुझे बताओ 6 बढ़ रहा है, 66 बढ़ना चाहिए 32 में, तो 98 बनना चाहिए क्या? अरे वाह सर, कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ती, गुणा भाग तो करने ही नहीं पड़ते, अगर तरीके में सवाल पढ़े जाए। क्या बच्चों आपको मैथ समझ में आ रही है? आसान लग रही है मैथ तुम्हें? लोकेश भाटी आपकी सेंचुरी की स्पेलिंग सही नहीं है भाई।
दोस्तों इस सवाल पे आप पोल क्रिएट करने की हिम्मत रखते हो क्या? चलो पोल क्रिएट करेंगे, आराम से करना बेटा, जल्दबाजी मत करना। अगर इसमें पेन ना उठाओ ना, पेन ना उठाओ तो बात का मजा है भाई। पेन उठा के अभी नालायक उत्तर जो लोग 36 कर रहे हैं ना भैया, इनको तुम कह रहे हैं गोली मार देंगे भाई साहब, 36 वालों को भैया गोली मार देंगे, सही कह रहे हैं। बेटा ईमानदारी से बताना किन किन लोगों का उत्तर बी आया था, ईमानदारी से बताओ बी बी वाले लोग कौन कौन थे। तो भैया तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्या? मैंने आपको 7 सवाल करवा दिए हैं, मैंने आपको 7 सवाल करवा दिए, इतनी आसानी से करवा दिए, क्या अभी भी आप सवाल नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या अभी भी आपको दिक्कत आ रही है भाई? कमाल हो गई यार। अरे यार एक जैसे कितने सवाल करवा दिए फिर भी तुम्हें कह रहे समझ में नहीं आ रहा सर, उत्तर भी आ रहा है हमारा। तो 17वीं पारी के बाद में एवरेज एक्स प्लस 3 हो गया। अरे भाई 85 रन बनाए थे, एवरेज 3 एक्सटेंड हो गया तो 51 तो एवरेज को बढ़ाने में काम आ गया, ये 34 रहे होंगे क्या? 16वीं पारी के बाद में 34 का एवरेज रहा था, 17वीं पारी के बाद में 37 का एवरेज रहा होगा। सवाल क्यों नहीं समझ रहे हो? इतने 8 सवाल तुम्हें बता दिए बड़े आराम आराम से, क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं यार। क्यों इतने नालायक बनते हो भाई, क्यों इतने नालायक बनते हो? 10 पारी में औसत 21.5 है, देखो 10 पारी में औसत 21.5 है, कह रहे कितना रन बनाए कि औसत बढ़कर 24 हो जाए, यानी 2.5 बढ़ जाए 11 पारियों में, 27.5 का मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए, 49 आंसर आएगा क्या? ये तो सिंपल सवाल था बेटा, बहुत डेविएशन का सवाल देखो कितना बढ़िया बन गया। अब ये आपको 6 खिलाड़ी बोल दिए कोई दिक्कत नहीं है, 7वीं पारी 6ठी पारी बात तो एक ही है ना बेटा, तो आप मुझे बताओ 70-52 इस सवाल का उत्तर दोस्तों क्या आएगा, 52 आएगा क्या, 122 रन बनाए, 122 रन बनाए, औसत 10 बढ़ गया 7 लोगों का 10 बढ़ गया, तो 70 तो बढ़ाने में एक्सटेंड हो गया, पुराना एवरेज 52 रहा होगा, ये लो। और ये सवाल एसएससी के पेपर में आया था, लोग ये कहते हैं जी मैथ बहुत टफ आई थी, वो ना एवरेज में बैटिंग बॉलिंग वाले सवाल आ गए सर, वो तो हमें आते ही नहीं। सही बात है, तुम्हें थोड़ी आते हैं सवाल। एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूका, मतलब दोस्तों इसने 98 रन बनाए क्या? 98 रन बनाए दोस्तों 19वीं पारी के बाद में एवरेज 3 बढ़ गया, दोस्तों 19वीं पारी में 3 बढ़ गया तो आप मुझे बताओ 98 में से 57 रन तो इंक्रीज बढ़ाने में काम आए, पुराना एवरेज 41 रहा होगा, नया एवरेज 44 रहा होगा, नया एवरेज दोस्तों 44 रहा होगा, न्यू एवरेज विल बी 44। क्या माथुर साहब बता दो भैया, बैट्समैन वाले सवाल समझ में आ रहे हैं तुम्हें? पहले आपने कहीं भी मैथ्स पढ़ी बच्चों, इतने एक जैसे क्वेश्चन ना बनेंगे तुम्हें, इतने एक जैसे सवाल तुम्हें नहीं मिलेंगे कहीं भी। 44वीं पारी में 86 रन बनाया, एवरेज उसका 1 बढ़ गया। बेटा
44 रन तो एवरेज बढ़ाने में काम आ गए, इसमें से कम कर लो 44 तो इसका मतलब पुराना एवरेज 42, 44वीं पारी के बाद में 43। अल ये क्या ऐसे है? अरे सुप्रीत जी, आपको 20 लोगों ने कमेंट करके बता दिया है बेटा, ये अर्थमेटिक का पार्ट टू है, पहले हम पूरी अर्थमेटिक पढ़ चुके हैं, दो तीन टॉपिक बाकी थे उनको पूरा कर रहे हैं। ये बात आपको बेटा कई लोगों ने बता दी है, आपको समझ क्यों नहीं आता यार, जब बाकी के लोग आपको बता रहे हैं कि ये पार्ट टू है भाई, ये पार्ट टू है, पहले टॉपिक सारे पढ़ चुके हैं, अब हम सेकेंड टाइम पे कुछ रिमेनिंग टॉपिक कर रहे हैं, तो आप एक ही कमेंट को हजार बार क्यों टाइप करते हैं यार, अजीब बालक है आप। गजब। अच्छा बताओ इसके बाद क्या पढ़ना चाहोगे, नंबर सिस्टम या अलजेब्रा? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ भैया, हम पोल करेंगे बेटा, रुको एक मिनट, ध्यान रखो, एक मैंने आपको दिया है नंबर सिस्टम, और सेकंड अपना बेटा पोल है अलजेब्रा। तो इनमें से पहले टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहेंगे, मैं पोल क्रिएट करूंगा, ए का मतलब आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है और बी का मतलब आपको पढ़ना है अलजेब्रा, ठीक है? अब जो पोल जीतेगा वो हम काम कर लेंगे बेटा, जो पोल जीतेगा हम वही स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अजीब धर्म संकट हो गया ये तो, ये तो मतलब लगभग लगभग बराबर की बात आ रही थी। थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा नहीं है, ए वाले जीत गए भाई। ठीक है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जल्दी से ही बेटा आपके सामने कोर्स लाइव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब ये सवाल एक दो बचे हैं, फिर बेटा इसी में टाइप स्टार्ट नया होगा, लैंग्वेज स्टार्ट नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लोकतंत्र है, आपको मेजोरिटी के ऐसा चलना पड़ेगा। 15 पारियां खेल चुका है, औसत रन 20 है बेटा, 15 पारियों में औसत रन 20 है, 25 तक ले जाने के लिए अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए बेटा? 5 इंक्रीज करना है, 80 और 100 बनाने चाहिए क्या? वाओ, वेरी गुड, अठारह पारियां खेल चुका है, 26.5 है, औसत 32 तक ले जाने के लिए अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए? तो एक्सटेंड दे लो कितना है, 5.5 है क्या? 5.5 गुना 19 प्लस 26.5 आंसर आएगा बेटा क्या, इससे बताओ, इससे आपका आंसर बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात, ये सवाल भी अब इजी है, ये सवाल भी आपके लिए इजी है दोस्तों, ये सवाल भी इजी है, ये सवाल भी आपके लिए इजी है, ये सवाल भी आपके लिए इजी है दोस्तों। 20 नंबर तक के सवाल बिल्कुल एक ही पैटर्न के हैं, और मैंने 20 में से लगभग आपको 13-14 क्वेश्चन करवा दिए हैं, कोई 4-5 बचे वो तो कर लोगे अब, किसी को बेटा दिक्कत हो ये भी कर लेंगे, बाकी ये तो कर लेना भैया अपना। एक क्रिकेट खिलाड़ी 18 पारियों में निश्चित रन बनाता है, ठीक है, 19वीं और 20वीं पारी में मिलाकर 300 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है, 18वीं और 20वीं पारी की औसत रन ज्ञात करो। अरे भाई, एक बंदे ने 18 इनिंग खेली और 18 इनिंग के बाद में उसके रन कितने बने, एक्स मान लो, 20 पारियां खेली, 20 पारियां, 20 पारियों के बाद में, 20 पारियों के बाद में रन बन गए x प्लस 4।
अरे बोलो बोलो बोलो, सही है। तो प्यारे बच्चों ये बात बता दो, 20 चौका 80, ये जो 19वीं और 20वीं पारी है इसमें आपके टोटल 300 रन थे, टोटल 300 रन थे, जिसमें 80 रन तो बेटा एक्सटेंड करने के काम आए हैं क्या, तो 220 रन आपके आने चाहिए थे एवरेज। बेटा दो पारियों में 220 रन, तो एक पारी में 110 रन आने चाहिए थे क्या, नया एवरेज 114 आना चाहिए था क्या, यही तो मेरा सवाल था। सारे सवाल एक जैसे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बस लैंग्वेज को आंखें खोल के पढ़ना चाहिए था बेटा। आंखें खुलेंगी तो आंसर भी आएगा, आंखें बंद रहेंगी तो कोई इलाज नहीं। सुनो भाई, एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाए, 72 पारियां कुछ रन बनाए, पता नहीं कितने बनाए, अगली दो पारियां, अब की बार 74 पारियां हो गई, स्कोर 3 कम हो गया, एक्स माइनस 3 हो गया। बेटा आप मुझे बताना कमी कितने की आई है भाई, क्या 222 रन की कमी आई है क्या? अरे बोलो भैया, 222 की कमी आई है, यानी इन दो पारियों में ना, इन दो पारियों में इन्होंने 90 रन तो बनाए थे, इन्होंने 90 रन तो बनाए थे, लेकिन 222 की अभी भी कमी है बच्चों, यानी इनको 312 रन बनाने चाहिए थे एवरेज को इक्वल लाने के लिए, 312 रन दो पारियों में लाने चाहिए थे, तो एक पारी में 156 रन लाने चाहिए थे क्या बेटा, एक पारी में 156 का रन चाहिए थे, लेकिन आपसे पूछा 74वीं पारी के बाद में, उत्तर 153 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम सवाल है, कर पाओगे क्या है भाई, सेम सवाल है, कर पाओगे क्या? चार पारियां हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप डेविएशन का गुणा उन चारों में डिवाइड करोगे, चार पारियां हैं भाई। अरे वाह, बता दीजिए, सही बात है, हम थोड़ी करेंगे राम बाबू, वाह भाई वाह, शर्म नहीं आती है इनको, मतलब बता दीजिए सर, हम थोड़ी कर पाएंगे। 25वीं पारी के बाद में तुम्हारा रन है एक्स, 29वीं पारी के बाद में एक्स प्लस 3 हो गया, एक्स प्लस 3, तो 29 + 87 = 87 तुम्हारा इंक्रीज हो गया 87। अब मैं आप कहता हूं चार पारियों में 556 रन बनाए, लेकिन दोस्तों इसमें से 87 तो इंक्रीज करने के काम आ गया, अरे सॉरी यहां चार आएगा बेटा, सॉरी चार आएगा, चार चार यहां चार कीजिएगा, चार, तभी सोच रहा हूं ये पॉइंट में कैसे जा रहा है, चार चार इंक्रीज हुआ है, चार चार, चार चार इंक्रीज हुआ है, 116 बढ़ेगा, यहां से घटाओ 116, उत्तर आ गया 440, 440 में चार का भाग दोगे, एक पारी में रन चाहिए थे 110, 29वें मैच के बाद चाहिए, उत्तर आ गया 114। गीतांजलि उत्तर 110 नहीं आएगा, लैंग्वेज को पढ़ लो, आपसे लास्ट में पूछा है। राम बाबू बोलो, बता दीजिए एक बार और, बताओ सर समझ में नहीं आया, बोलो। है क्या बात है, आज तो होली दिवाली क्या है, जेके जेके, ओ अरे कुछ नहीं था, मैडम का ऐसे फोन आया था कि अभी आप 11 बजे चाय पियोगे या फ्रूट्स काट दूं, तो मैंने कहा फ्रूट ही काट दो भाई।
नहीं, वो एक कोड वर्ड होता है JTJK। मैडम ने पूछा कि आप चाय पियोगे या फ्रूट काट दूं, तो मैंने कहा JTJK, जो तुम्हारा जी करे वो कर दो। JTJK भाई, JTJK, जो तुम्हारा जी करे। समझते हो यार, कोडिंग की बात होती है, रीजनिंग के मास्टर है भैया, तो अगला कोई कोडिंग डिकोडिंग लगाएगा ना भाई घर पे अपने। ओ अब मैं बेटा मैडम को तो सिखानी है कोडिंग डिकोडिंग, मैंने लड्डू को भी सिखा दी पता है। अब मैं लड्डू को बोलता हूँ ना बेटा, लड्डू बेटा PKP कर दो, PKP, तो पापा को पारी कर देती है वो, PKP पापा को पारी, वो समझ गई है। उसको बोलता हूँ लड्डू बेटा PKP कर दे, तो पापा को पारी अपने आप कर देती है वो, ऐसा ही है बच्चों। सुनो, एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली और 99 का औसत बनाया, ये सवाल बड़ा इजी है दोस्तों, हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा बात अलग कर लो भाई, 24 नंबर तक के सवाल फ्री में होने वाले सवाल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन है लड्डू? ओ माय गॉड, संजना कुमारी क्लास में नए आए लगते हैं, पहली बार देखे हैं बेटा, जो कहते हैं कौन है लड्डू, गजब। अच्छा कहां है पूछे, कहां है? यही है आसपास ही माहौल में, क्लास के नीचे है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों में औसत रन 50 है, उच्चतम और निम्नतम स्कोर को रन 172 से अधिक है, दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो 38 पारियों में औसत रन 48 है। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, डेविएशन पढ़ने के बाद में आपको ये सवाल बहुत इजी लग रहे होंगे, क्या इनका एवरेज 50 है क्या? दो पारियां दोस्तों आपने निकाल दी, जैसे राम, दो पारियां आपने निकाल ली, उनका एवरेज आ गया 48। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इनमें डिफरेंस कितना माइनस दो का आया क्या? तो 38 दुना 76, तो डेविएशन में कमी माइनस के 76 की आ गई क्या? तो ये जो दो पारियां थी आपकी, हाईएस्ट वाली और लोएस्ट वाली, दोस्तों देखो इनमें 50-50 रन तो होने ही चाहिए थे, 50-50 तो आना ही चाहिए था, क्या ये 76 और आना चाहिए था क्या? दोस्तों अगर ज्यादा वाली नंबर को हटाओगे तभी तो एवरेज कम होगा ना, तो इसका मतलब आप मुझे बताओ हाईएस्ट और लोएस्ट का जोड़ 176 आ गया क्या? हाईएस्ट और लोएस्ट का जोड़ 176 आ गया, जी हाँ। आपको सवाल कहता इन दोनों में 172 का डिफरेंस है, हाईएस्ट में और लोएस्ट में 172 का डिफरेंस है, हाईएस्ट और लोएस्ट में 172 का डिफरेंस है। दोस्तों हाईएस्ट स्कोर आपका 174, लोएस्ट स्कोर आपका 2, यही तो आएगा। अरे ये वही तो सवाल है, वो जब ज्यादा लोग थे आपने दो लोग हटा दिए, घटाई बढ़ाई वाले ना, वही तो सवाल है। लैंग्वेज आपने क्रिकेट की यूज कर ली है, जबकि सवाल तो वही है आसान वाला। बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल डिट्टो, मैंने एक ही ट्रेंड के एक जैसे कई क्वेश्चन ले लिए ताकि आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं आए। दोस्तों 65 पारियों के एवरेज रन कितने हैं? 50। दो पारियां हटा दी, 63 पारियों के एवरेज रन आ गए 47। तीन की कमी आ गई दोस्तों, 189 की कमी आ गई, दो पारियों में 100 रन तो होने चाहिए थे, क्या इनका जोड़ 289 आ गया क्या? दोस्तों हाईएस्ट और लोवेस्ट का जोड़ 289 है और अंतर इनका 255 है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर 255 है। अरे दोस्तों आपको निम्नतम स्कोर पूछा है ना, तो डिफरेंस लेके आधा ले लो बेटा, डिफरेंस करके आधा करूंगा, उत्तर आ जाएगा 17। अगर हाईएस्ट पूछता हाईएस्ट तो आप जोड़ के आधा कर लेते, अगर अंतर पूछा है, सॉरी लोवेस्ट पूछा है, तो आप डिफरेंस लेके आधा करोगे,
अरे डेविएशन के सवाल चल रहे हैं सिंपल वाले, डेविएशन की बात चल रही है, समझ पाओगे सवाल? रजनी बेटा ऐसे कितने सवाल कर चुके हैं, सैकड़ों बेटा, सैकड़ों सवाल कर चुके हैं एक ही प्रकार के, ये क्या बात है बेटा, रिपीट करो। अरे भैया इनका डेविएशन माइनस का 3 आ रहा है, ये 63 संख्याएं थी, माइनस का 189 आ गया, तो इनका जोड़ 289 नहीं आएगा क्या? जैसे आपने सवाल नंबर 25 किया, 26 किया, क्या बेटा बताओ 27 नंबर सवाल सेम है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, डेविएशन का ही सवाल है, डेविएशन के आधार पे करना है। ये 28 नंबर, 28 नंबर सवाल भी सेम है क्या? एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, तो ये करके ये काम करना है, ठीक है डन। पच्चीस नंबर सवाल से 26, 27, 28, 29 देखो सेम सवाल चल रहे हैं, एक ही ढरे के सवाल हैं, ताकि आप इनको ठीक से समझ पाए, आपको ये सवाल करने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब आ जाओ नई बात, 31 नंबर सवाल से कुछ नई बातें पढ़ते हैं। एक क्रिकेटर ने टेस्ट मैच में 150 रन बनाए, पहले मैच में इस बंदे ने बनाए 150 रन, अगले मैच में कह रहे हैं उसके रन 5:6 में बढ़ गए, तो 180 हो गए क्या? 5:6 का मतलब ये 30 × 5, 30 × 6, 180। तीसरे मैच में उसके रन दूसरे मैच से 4:3 में घट गए, 4 से कटूंगा, कटेगा 45 दिया, 135। ये लो, तीनों मैचों में आपको एवरेज रन चाहिए बेटा, तीनों को जोड़ के 3 का भाग कर लूं क्या? ऐसा कर सकते हो, डेविएशन भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये संख्याएं इतनी आसान है कि आपको दिक्कत इसमें आएगी नहीं। 465/3 करना है 155, डेविएशन पर बेस क्वेश्चन था तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कैसे भी कर सकते हो। ये बेटा 25 से लेकर 30 के बीच में सवाल है, इनको तो कर लोगे ना, मैंने तो छोड़े बीच में सवाल 4, कहीं ये मत करना कल ले आना उठा के सर ये करवा तो नहीं हो पाए, डंडे से पिटाई कर देंगे हम आपके, बता रहे हैं। दो मैचों में एवरेज 27 है, तीन मैचों में एवरेज 32 है, वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो बेटा, 27 × 54, 32 × 96, 5 में काट लो बेटा, 150/5 करोगे 30 आएगा। आपने कहा जी डेविएशन लगाऊंगा, मैं 30 मान लेता हूं, 30 मानूंगा, ये माइनस का 3 दो बार है, माइनस का 6, प्लस का 2 3 बार है, प्लस का 6, 0 हो गया, उत्तर 30 आ गया, बताया था ना वेटेड एवरेज, एलिगेशन लगा ले भाई उत्तर 30 ही आएगा, एलिगेशन लगा लो उत्तर 30 ही आएगा। ये 27 है, ये 32 है, अनुपात 2:3 है, यहां अगर 30 होगा तो इनका अंतर 2, इनका अंतर 3, कोई दिक्कत नहीं। सत्यम कुमार भाई सुबह सुबह लगा लिए हो क्या? की जी नी जी, आपको जी लिखना है तो की लिखते हो, जी लिखते हो, नी लिखते हो, जी लिखते हो भाई, सुबह सुबह आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे हो, क्या बात है। रात की उतरी नहीं है मेरे को लगता है भाई के भी। बेटा ये सवाल सेम है क्या? 5 मैचों में इतना एवरेज है 3 का, इतना है अंतिम 2 का, ज्ञात करना है, डेविएशन का सवाल है, सिंपल सवाल है डेविएशन का, 5 में आपको एवरेज बोल दिया, 3 में आपको ये इतना 2 में ज्ञात करना है, डेविएशन से कंपेयर कर लीजिए। अच्छा जी ये तो बहुत इजी है, 20 ओवरों में
3.2 की औसत से रन बनाए। तो बेटा एक बात बताओ, 3.2 की औसत से 20 ओवरों में 64 रन बनाए होंगे क्या? अरे 64 रन बनाए होंगे क्या? गुणा ही तो करना है, एक ओवर में 3.2, 20 में 64। लेकिन आपको 262 का लक्ष्य बनाना है बेटा, 262 तक पहुंचना है बेटा, तो कितने 198 रन और बनाने हैं क्या? 198 रन बनाने हैं। और दोस्तों ये 198 आपको 30 ओवर में बनाने पड़ेंगे, 30 ओवर में बनाओगे तो 6.76 आ जाएगा, बताओ। अरे ये तो देखा होगा ना क्रिकेट के मैच में आता है ना कि रिक्वायर्ड एवरेज, करंट एवरेज, है ना, ये तो आता है ना मैच के बीच में कि कितने ओवर बाकी है, कितनी बॉले हैं, रिक्वायर्ड रेट क्या चाहिए। हाँ वही वही है बेटा, करंट रन रेट क्या चल रही है, रिक्वायर्ड क्या चल रही है, वही सवाल है ये। देखो 20 ओवरों में औसत रन रेट है 4.5, 20 ओवरों में 90 रन बनाए हैं, 282 का टारगेट दिया है टीम को बेटा, 282 का टारगेट दिया है आपको, तो आप मुझे बताओ 192 रन और बनाने पड़ेंगे 30 ओवर में, तो 6.4 की रेट से बनाओ। सूरज बी नहीं आएगा बेटा, डी आएगा आंसर। इस सवाल को आप डेविएशन से बना पाएंगे, 15 मैचों का औसत है 33, पहले 10 मैचों का औसत है 45, अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है ज्ञात करना है। ये डेविएशन में आ रहा है जी प्लस का 120, ये 24 घटाओगे उत्तर 9 आ जाएगा, 9 and 9। अरे तो डेविएशन के सवाल हैं जो मैं आपको कब से करवाता आ रहा हूं बेटा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, डेविएशन तो बच्चा बच्चा कर पाएगा, डेविएशन की कहानी सब जानते हैं, ये सिंपल सवाल डेविएशन का, बड़ा ही सिंपल। जब एवरेज टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो आपको ये सवाल करवाए थे ना बच्चों, जब एवरेज टॉपिक शुरू हुआ था याद करो, पहली शीट में आपको ये सवाल करवाए थे ना, 230 आपने कहा था जी ये माइनस का 50 है, ये दोस्तों प्लस का 28 है, तो ये प्लस का 22 आना चाहिए, 252 आना चाहिए। अड़तीस नंबर सवाल सेम, बच्चों बता दो 38 तक मान लिया जाए सारी बातें डन है, 38 तक तो कल कोई डाउट नहीं लेके आओगे ना, कल ये तो नहीं कहोगे कि सर ये डाउट रह गया करवा दो सवाल, ठीक है। 39 की बात कर लो बेटा, 39 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में किसी टीम के कप्तान ने 6 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रनों से 30 रन ज्यादा बनाए, सभी उस टीम के कुल बल्लेबाज 310 रन बनाते हैं, तो कप्तान ने बताओ कितने रन बनाए। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन था, देखो ये तो आपके 6 बैट्समैन है और ये आपका कैप्टन है, आपको ये बोला सबने मिलाकर 310 रन बनाए हैं क्या, सबने बनाकर 310 रन बनाए। देखो अब 6 बल्लेबाजों ने जितने रन बनाए हैं कैप्टन ने उससे 30 ज्यादा बनाए हैं क्या, ये काम करना है बच्चों। भैया इनका औसत अगर x है, टोटल 6x और कैप्टन का x प्लस 30 बराबर 310, x बराबर कितना आ गया 280 बटे 7 का मतलब 40, यानी बैट्समैन का एवरेज निकल के आया 40, कैप्टन के रन कितने निकल के आए 70। इन क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ कर कैप्टन की बैट्समैन की लैंग्वेज में दे दिया गया, जबकि सवाल तो सिंपल लैंग्वेज के हैं। ये दोस्तों एरर वाले सवाल हैं क्या, एरर वाले सवाल,
क्या दोस्तों ये एरर वाले सवाल है, ये वही है क्या कि इसमें साहब उनका एवरेज 48-84? हाँ बस इतनी सी बात आपको सॉल्व करनी है, हो जाएगा सवाल ये। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन पे जिनमें बॉलिंग की बात करते हैं। देखो अभी तक सवाल सारे आपने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सारे सवाल बैटिंग वाले थे। अब कोई बॉलर है, बॉलर की एवरेज कैसे निकलती है? बॉलर की जो एवरेज निकलती है ये ऐसे निकलती है, टोटल गिवन रन बटा टोटल विकेट टेकन। भैया मेरी बात समझना, भाई कोई बॉलर कितना अच्छा बॉलर है, कितना अच्छा बॉलिंग करता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। क्या क्या पे? कि एक तो उसने रन कितने दिए और एक उसने विकेट कितने ली, यही ना। तो अगर कोई बॉलर रन कम देता है और विकेट ज्यादा लेता है तो बेटा उसे अच्छा बॉलर मानते हैं ना। भाई आप क्रिकेट देखते हैं, आपको पता ही है एक अच्छे बॉलर की डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा बॉलर वही है बेटा कि जिसके रन तो कम पड़ते हैं और विकेट वो ज्यादा लेता है, यही होता है क्या? तो बेटा एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखो बैट्समैन जो होता है ना, बैट्समैन अच्छा उसे कहते हैं जिसका एवरेज ज्यादा हो, मतलब ज्यादा रन बनाए कम मैचों में। लेकिन बॉलर अच्छा वो होता है बेटा, बॉलर अच्छा वो होता है जिसका एवरेज कम हो, जो कि रन तो कम खाए और विकेट ज्यादा ले जाए, वही आपका अच्छा बॉलर होता है। कितने मैचों में उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी विकेट ली, कितने रन दिए, ये एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बॉलर के लिए। बॉलर के लिए दोस्तों सीधी सी बात ये होती है। तो आप एक सवाल देखो, एक गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी की औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, यानी एक विकेट लेने के लिए ये बंदा इतने रन देता है 24.85। दोस्तों मैं मानता हूं कि आज तक इसने एक्स विकेट लिए हैं, आज तक इसने एक्स विकेट लिए हैं, तो बेटा ये बता दो टोटल इतने रन दिए होंगे क्या? एक विकेट लेने के लिए 24.85 रन देता है तो एक्स विकेट लेने के लिए इतने रन दिए होंगे क्या? अगले मैच में इन्होंने 52 रन और दे दिए, अगले मैच में इन्होंने 52 रन और दे दिए, ये आ गए जी टोटल गिवन रन। आज तक कितने रन दिए हैं वो और आज तक विकेट कितने लिए हैं? एक्स विकेट तो यहां तक ली थी और 5 विकेट और ले ली बेटा। अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट ले ली, तो बेटा ये बताओ नए एवरेज की बात आ गई क्या? और नया एवरेज कितना आ गया? 24। भाई सुनो, बॉलर का एवरेज कैसे निकलता है कि टोटल आपने कितने रन दिए और टोटल आपने कितनी विकेट ली, तो 24.85 एक्स प्लस 52 बटे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 24। क्या बच्चों ये लाइन समझ पाए? टोटल रन कितने दिए, टोटल विकेट कितनी ली, इनको डिवाइड किया तो बंदे का एवरेज आ गया बच्चों, एवरेज। बस इस एक्स का इधर गुणा कर लीजिए तो क्या बनेगा बच्चों, 24.85 एक्स माइनस 24 एक्स बराबर 120 माइनस 52 बनेगा क्या? समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? एक्स बराबर 68 बटा 0.85 गुणा में 100 करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 17 × 4, 17 × 5, 20, 80। दोस्तों हमसे पूछा गया था आखिरी मैच तक पूछा है तो उत्तर 85 आएगा क्या? क्योंकि 80 विकेट तो उसने यहां तक ही ले लिए थे दोस्तों, 80 विकेट तो उसने यहां तक ही ले लिए थे, तो लास्ट मैच पूरा होने तक 85 विकेट लिए जाएंगे क्या? 85 विकेट लिए जाएंगे क्या? भाई
विकेट कितने लिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने रन कितने दिए। तो टोटल गिवन रन बटा टोटल विकेट को डिवाइड करोगे तो नया एवरेज निकल कर आएगा। दोस्तों एक छोटी सी बात और देख लो, एक क्रिकेटर की गेंदबाजी का औसत 12.4 था, एक क्रिकेटर की गेंदबाजी का औसत 12.4 था, मैं मानता हूं यहां तक उसने एक्स विकेट लिए थे एक्स। दोस्तों एक्स विकेट लिए, एक विकेट पे 12.4 रन दिए, तो टोटल रन 12.4x दिए होंगे क्या? अरे 12.4x दिए होंगे क्या? सुप्रीत जी भी बोल दो कि हाँ 12.4x दिए हैं। एक विकेट लेने पर अगर 12.4 रन देता है तो x विकेट लेने के लिए 12.4x दिया होगा। और दोस्तों आखिरी मैच में इसने 26 रन और दिए, 26 रन और दे दिए। टोटल विकेट बताओ x प्लस 5 हो चुका है क्या? तो टोटल विकेट कितनी x प्लस 5 हो चुकी है। ऊपर क्या लिखा मैंने? ऊपर लिखा है टोटल दिए गए रन बटा टोटल ली गई विकेट। दोस्तों ये किसके बराबर होता है? ये होता है एवरेज। और दोस्तों एवरेज कितना आना चाहिए? 12.2। बस ये जो 12.6 कह रहे हैं बच्चों यही ध्यान दो, मैंने आपको बोला कि उसने अपने एवरेज में 0.2 का इंप्रूवमेंट किया, दोस्तों सुधार किया। और एवरेज में अगर कोई बॉलर सुधार करता है ना, मतलब उसका एवरेज कम होता है बच्चों। बैट्समैन अगर सुधार करता है तो उसका एवरेज बढ़ता है, लेकिन बॉलर अगर करता है बच्चों तो उसका एवरेज कम होता है। दोस्तों ये बात बड़ी सीधी सी थी, बस आपको ये समझनी थी। इस सवाल में यही गलती होती है, लोग यहां 12.6 कर देते हैं, आप ये गलती मत करना। 12.4x माइनस 12.2x, 12.60 और 61 माइनस 26, 0.2x बराबर कितना आ गया? 35 क्या? x का मतलब दोस्तों 5 गुना कर लो, 175। आपसे पूछा गया था अंतिम मैच से पहले, यानी x का मान ही पूछा दोस्तों, तो अंतिम मैच से पहले तो मैं 175 विकेट ले चुका था, 175 ही आंसर आया था। क्या दोस्तों बॉलर वाले सवाल की कहानी समझ में आई? बॉलर वाले क्वेश्चन का तुम्हें आइडिया हुआ? आसान है ना ये। देखो कल आप लोग कह रहे थे कि क्रिकेट वाले सवाल हमसे बनते नहीं है, आप में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर क्रिकेट वाले क्वेश्चन बनते नहीं है, उनमें दिक्कत आती है, ये होता है वो होता है। क्या अब तो बताओ क्रिकेट वाले क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे हैं तुम्हें, कर पाओगे ना बेटा? अब देखो एक लाइन में ये बात देखनी है, 12.4x प्लस 26 बटा x प्लस 5 बराबर 12 करना है बेटा। ये वहां जाएगा 12x, ये बनेगा 0.4x, 60 में से 36 गए 34 बनेगा बेटा, 34। अच्छा ठीक है 12.8 आएगा बेटा, सॉरी 12.8 आएगा, उसका एवरेज डिक्रीज हो गया, डिक्रीज बेटा, एवरेज में कमी आई है ना बेटा, एवरेज में कमी आई है, इसका मतलब बढ़ गया एवरेज। नहीं यार रुको, गड़बड़ है, इन्होंने लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, इसमें था इंप्रूवमेंट हो गया और इसमें नहीं बेटा, ये 12 ही आएगा। देखो इन्होंने लैंग्वेज में बोला कि औसत घट गया, यानी अगर मैं ऐसा बोलता ना कि उसके एवरेज में इंप्रूव हुआ या एवरेज में ये मान लो बिगड़ गया, एवरेज बिगड़ गया 0.4 से तो बढ़ाता, पर लैंग्वेज साफ साफ बोला है कि एवरेज में डिक्रीज करना है, एवरेज में सुधार हुआ है, एवरेज में डिक्रीज करना है। 0.4 का मतलब ये हो गया बेटा, ये गुणा भाग सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वर्डिंग दी ना बेटा, अगर डायरेक्ट वर्डिंग दी है, साफ साफ बोला गया है तो साफ साफ काउंट कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मतलब कितना आ गया बच्चों? एक्स का मतलब कितना आ गया? 34 बटे 0.4 गुणा में कर लो 10, 5 और 2 17, 85।
अंतिम मैच तक पूछा है, अंतिम मैच तक उत्तर 90 आएगा। बेटा इन्होंने साफ साफ बोला कि एवरेज घट गया, जब ये बोले ना कि एवरेज में इंप्रूवमेंट किया या एवरेज बिगड़ गया, तब आपको वो काम करना है कि प्लस माइनस की बात क्या आएगी। ठीक, बताओ बेटा ये सवाल सेम है क्या, जैसे आपने 43 किया, जैसे आपने 44 किया, क्या ये सवाल एकदम सेम है? इस टॉपिक का आखिरी सवाल दोस्तों, ये क्रिकेट वाले सवालों का ये आखिरी सवाल है। क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में 32 रन बनाए, 40 ओवर में कितने रन बनाए कि 282 पर पहुंच जाए? 250 रन बनाने इसको 40 ओवर में, 40 ओवर में 250 रन बनाने हैं बच्चे को, 6.25 की एवरेज से बनना चाहिए। खत्म। लो जी, चार शीट बेटा आप लोगों की कंप्लीट हो गई हैं। एवरेज टॉपिक में हमने चार शीट का काम पूरा कर लिया बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप लोगों ने जो बैटिंग और बॉलिंग वाले सवाल देखे हैं वो सबको बढ़िया समझ में आ गए होंगे। दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग वाले क्वेश्चन पे कहानी पल्ले पड़ गई होगी। शीट आपको 3 नंबर और 4 नंबर दोनों आज ही मिल जाएंगी बच्चों। दोनों के सवाल आप ट्राई कर लीजिएगा, कुछ नई बातें, कुछ नए पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास शाम को 4 बजे आएगी बच्चों। 4 PM पे आपकी नई क्लास स्टार्ट होगी रीजनिंग की, जहां पे रीजनिंग का हम टॉपिक नया पढ़ेंगे आज, क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, कल आपको करवाऊंगा नए टाइप के सवाल। कल हम पढ़ेंगे बच्चों एज वाले क्वेश्चन, कल आपके बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे एज वाले, जिनमें एज की जानकारी पढ़ेंगे रेशो वाले, बहुत अल्टीमेट प्रकार से, बहुत बढ़िया प्रकार से। ठीक है, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।